हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं इस वक्त सुबह के 4:46 और निकल चुके हैं हमारे शूट के लिए। एड शूट है, डिजिटल एड, जिसके लिए हम जा रहे हैं इस वक्त। ये शूट होगा हमारा 2 दिन का और इस वक्त आप देख रहे हो पूरा अंधेरा चारों तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लोनावाला और पूरा लोनावाला हम क्रॉस कर रहे हैं अंधेरे में, क्योंकि इस वक्त हो रहा है 5:30 का वक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सारा अंधेरा। पहाड़ियाँ है, वादियाँ हैं, लेकिन हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। इस वक्त रास्ता दिखाई दे रहा है, आगे आगे जो ट्रक चल रही हैं वो हम देख पा रहे हैं। हम करीबन पहुँचेंगे 7 बजे अपने डेस्टिनेशन पे, यानी अभी 1 घंटा 12 मिनट और हमें चलाना है। फाइनली हो चुके हैं 6:22 और अब हम 40 मिनट में पहुंचने वाले अपने डेस्टिनेशन पे। हम लोग हैं जो पूना में। तो आज जो बेसिकली हम आपको दिखाने वाले हैं वो है कि किस तरीके से डिजिटल एड्स बनते हैं। जैसे बहुत सारे लोग नए हैं, आप लोग भी मैसेज करते हैं कि मुंबई आना है, आपको काम करना है, लेवल पे ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि आप इस तरीके से डिजिटल एड्स में काम करें तो अच्छा खासा पेमेंट भी मिल जाता है। और ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, बहुत सारे एजेंसीज होती हैं जो कि इस तरह के काम करती है डिजिटल एड्स के। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को आज देखने को मिलेगा। तो ये है वो लोकेशन से पहले का नज़ारा जहाँ अभी हम जाने वाले हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी झील है और ये टूरिस्ट प्लेस है बेसिकली। यहाँ पे बड़े बड़े विलास हैं, बंगलोज हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं लोकेशन पे। तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है, एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा। पूरा लेक व्यू आप देख रहे हो, ये तो ये है वो बंगलो जहाँ पे अभी हम शूट करने वाले हैं। आज हमारा पूरा दिन यहीं पे बीतने वाला है और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं उस लोकेशन पे। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट था जिसका नाम है CO2। तो जो लोग पूना या पुणे आते जाते हैं या वहाँ रहते हैं उन लोगों को पता है कि CO2 जो एक बहुत बड़ा वहाँ पे बार है, रेस्टोरेंट बार। ये हमारी टीम यहाँ पे सुबह सुबह का नज़ारा लेते हुए सब काम में लगे हुए हैं। इतने अर्ली मॉर्निंग में पूरा क्रू पहुँच जाता है, सारा सेटअप करता है ताकि एक्टर्स जब पहुँचे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो। आप देख सकते हो वहाँ पे हमारे मेकअप दादा, फिर हमारे डायरेक्टर साहब सब वहीं खड़े थे। और ये अंदर आप देख सकते हैं इस वक्त जहाँ पे हम शूट करेंगे, ये घर है और यहाँ पे होगा हमारा मुहूर्त शॉट। तो मुहूर्त शॉट की तैयारी चल रही है इस वक्त। मुहूर्त शॉट आपको पता ही होगा जो सबसे पहला शॉट होता है दिन का, यानी भगवान की आरती होती है उसके बाद जो शॉट लिया जाता है उसे हम कहते हैं मुहूर्त शॉट। फिर उसके बाद डे की शुरुआत होती है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, स्पॉट बॉय अपने काम में लगा हुआ है, प्रोडक्शन अपने काम में लगा हुआ है, कैमरामैन अपने काम में लगा हुआ है और हम भी अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए हमारा जो पहला शॉट होगा वो होगा पहला सीन हमारा गार्डन में जहाँ पर हम योगा कर रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये हमारा था 3रा या 4था सीन जहाँ पर घर में एक कपल बैठा हुआ है और वाइफ प्रेग्नेंट है और वो डिस्कस कर रहे थे कुछ। ये था हमारा पहला वाला शॉट जो मैंने आपको बताया गार्डन में होगा योगा का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डायरेक्टर साहब यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। धूप से बचने के लिए वो शेल्टर लगाया जाता है ताकि मॉनिटर में सब कुछ क्लियरली दिखाई दे। अगर बहुत ज़्यादा धूप होगी, बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो वहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए स्क्रीन पे क्या चल रहा है, फ्रेम में क्या आ रहा है वो देखने के लिए वो शेल्टर लगाया जाता है।
बहुत ही खूबसूरत बंगलो था यहाँ पे। हमने पूरा दिन कैसे निकाल दिया हमें खुद ही नहीं पता लगा, बड़े आसानी से हमने शूट किया। और पहला सीन हमारा बहुत ही प्यार से हमने कर लिया, बहुत ही इजीली। इसमें बेसिकली मॉन्टाज था सारा। मॉन्टाज का मतलब आप समझते हैं, जहाँ पे एक्टर कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चल रहा होगा, या बैकग्राउंड में कोई दूसरी आवाज़ होगी, या वॉइस ओवर चल रहा होगा, या कंपनी के बारे में, ब्रांड के बारे में बताया जा रहा होगा। एक्टर कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कुछ बोल रहा है, लेकिन हमको सुनाई नहीं देगा। हमें सिर्फ एक्शन से समझ आएगा कि वो ये काम कर रहा है या कुछ करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कटर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, तो नेचुरल लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है शूट्स पे। और अगर आप नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वीडियोस भी बहुत सुंदर बनती हैं। कोशिश यही की जाती है हमेशा कि नेचुरल लाइट का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कई बार जो है मॉर्निंग में और इवनिंग में फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं लाइट्स की, तो उस टाइम पे फिर आप नेचुरल लाइट पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लाइट कभी भी ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, ज़्यादा कम होती रहती है, तो हर फ्रेम में अलग अलग लाइट दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे एक बड़ा खूबसूरत सा एक लोकेशन था जहाँ पे हम बैठे थे, उसी बंगले में ही है ये सब कुछ। काफ़ी बड़ा बंगला था ना, तो वहाँ पे पीछे की साइड जहाँ पे हमने खाना खाया वो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया था, और यहीं पर हमने एक सीन और किया था। ये पीछे का एरिया बहुत ही खूबसूरत बंगलो, यहाँ पे कई सारे ऐसे बंगलोस थे जो कि रेंट पे ले जाते हैं शूट के लिए। मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं इन बंगलोस में, फिर वहाँ पे उसको रेंट पे दिया जाता है। 12 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 6 बज चुके हैं, हमारी शिफ्ट थी 7 बजे की, और 11 घंटे हो चुके हैं। अब एक सीन बाकी है, जैसे ये सीन हमारा आज का ख़त्म होगा, आज का शेड्यूल हमारा ख़त्म, फिर अब शूट होगा हमारा कल, और कल भी होगा पूना में, तो आज हम पूना में ही स्टे करने वाले हैं। और फिर कल यहाँ से शूट ख़त्म करने के बाद फिर हम निकलेंगे रात में मुंबई के लिए, क्योंकि अगले दिन फिर हमारा शूट है ना उम्र की सीमा हो पूरी। आज ये जैसा आपने देखा कि बहुत ही प्यारा लोकेशन था बंगलो का, यहाँ पे आज हमने शूट किया घर का जितना भी पार्ट था। अब जो भी हॉस्पिटल की सीक्वेंस है वो हम करेंगे कल, तो कल पूरा दिन हॉस्पिटल के अंदर होंगे शूटिंग के लिए। तो इस तरीके से हमने पुणे का जो शेड्यूल था वो पूरा कंप्लीट किया। ऐसे ही जैसे आपने ये सब कुछ देखा, इस तरीके के बहुत सारे कॉर्पोरेट वीडियोस, बहुत सारे डिजिटल एड्स बनते हैं जहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं और मुंबई में सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं और सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ टीवी और फिल्म और वेब सीरीज़ नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा काम होता है जो आप लोग कर सकते हो, सीख सकते हो और ग्रो कर सकते हो। तो अपने दिमाग खोले रखो और देखते रहो कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसको आप ग्रैब कर सको। चलिए मिलता हूँ कल आपसे अगले पार्ट में।